हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो नहीं है, ब्लॉग होने वाला है। और आज हम जा रहे हैं कैलगरी से 1.5 घंटा दूर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने। हाँ जी, आपने सही सुना, यहाँ से कैलगरी से दूर एक जगह है जिसका नाम है ड्रम हेलर। और ड्रम हेलर में आज एक रिकॉर्ड होने वाला है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने जो डायनासोर की कॉस्ट्यूम्स डाली होंगी एक जगह पे, उसका रिकॉर्ड होने वाला है। और इस सारी हिस्ट्री को कि ऐसा क्यों होने वाला है और क्यों वहाँ पे डायनासोर्स का मतलब बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है ड्रम हेलर में, तो वो जानेंगे हम लाइफ ऑफ ऋषभ से, ऋषभ भाई से और गुरसिमरन भाई से। हम सारे साथ ही जा रहे हैं, तो चलते हैं और आपको लेके चलता हूँ इस व्लॉग में। और जो ड्रम हेलर है, सुना है मैंने, उसका जो लैंडस्केप है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तो चलते हैं गाड़ी में, सुबह का टाइम हो रहा है 7, यहाँ से हम पिक करेंगे ऋषभ भाई को और उसके बाद हम गुरसिमरन भाई के घर जाके वहाँ से सारे इकट्ठे चलेंगे। तो चलो चलें इस सुहाने सफ़र में, करते हैं शुरुआत आपके साथ, लेट्स गो। तो अब हमने ऋषभ भाई को ले लिया है साथ में और अब हम 4 बंदे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं आज। भाई सबसे बड़ा डायनासोर बनने वाले हैं पूरी दुनिया का। सब डायनासोर की कॉस्ट्यूम मैंने पीछे डिक्की में रखी है, ऋषभ भाई को भी पहना रही है, खुद भी पहन रही है और फिर हम तोड़ेंगे रिकॉर्ड। तो सारी जो ड्रम हेलर की हिस्ट्री है वो ऋषभ भाई से पूछेंगे थोड़ी बहुत कि कैसा ऋषभ भाई, क्योंकि ये 2 साल हो गए इनको कैलगरी आए हुए, राइट। हाँ भाई, बट अभी तक मेरे को टूरिस्ट गाइड की जॉब मिली नहीं, आज आप दे रहे हो तो मिलेंगे। नहीं, एक चीज है, ये ऐसी ऐसी जगह है, मतलब इन्होंने देख लिया, ऐसा बोलते हैं कि लाइक, मतलब ऐसा बोलते हैं कि कहा जाता है कि ऋषभ भाई ने वो जगह ईजाद कर ली है जहाँ तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं पहुंच पाई है। मजाक के बिना, बट ऋषभ भाई को 2.5 साल हो गए तो उनको पता है कि सारी चीजें कैसी है। तो उन्होंने ही बताया कि ऐसा फंक्शन हो रहा है। एक हमारे जो फेमस तोपवादी गुरसिमरन भाई, उन्हीं के पास जा रहे हैं अब हम। तो चलो चलते हैं और आपको साथ में लेके चलते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, हम 15 मिनट में शायद गुरसिमरन भाई के घर पहुंच जाएंगे एंड देन उसके बाद हम वहां से सारे निकल जाएंगे। दो ही गाड़ियां जाएंगी, बाकी गुरसिमरन भाई पे है कि कितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। जरूरत पड़ी तो पंजाब रोड भी बुक हो जाएगी। हाँ, जरूरत पड़ी तो हो जाएगी, बट चलो लेट्स गो एंड एंजॉय द जर्नी। शुरू होने से पहले हमने कहा कि फ्यूल डलवा लेते हैं पूरा, ताकि बीच में रुकना ना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया 150 किलोमीटर है वन साइड, तो 300-350 किलोमीटर का पूरा चक्कर होगा, अनलेस हमें ऋषभ भाई कोई नई जगह बताए कि भाई यहाँ पे लोग नहीं गए हुए तो फिर हम वहां जाएंगे। बाकी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैंने व्लॉग नहीं किया। लास्ट वीक हम गए थे बड़ी, बहुत ही बढ़िया जगह घूमने, कैनियन था एक और वो भी ऋषभ भाई लेके गए थे, तो बढ़िया जगह थी एकदम। मतलब अगर किसी को सजेशन चाहिए कैलगरी के आसपास कहाँ घूमना, ऋषभ भाई को डीएम करो। किसी को टूर बुक करना हो तब भी कर लो। और एक चीज और, ऋषभ भाई ने भाई नया नया रियल्टर का लाइसेंस लिया, तो ही इज अ रजिस्टर्ड रियल एस्टेट पर्सन नाउ। तो अब अगर किसी को घर भी लेना कैलगरी में तो यू नो वेयर टू गो, ठीक है। नहीं, चलो डलवाते हैं फ्यूल और चलते हैं अपनी जर्नी। ये देखो जी, आगे हमारे साथ गुरसिमरन भाई, सामने गाड़ी लगी है, यहाँ पे ऋषभ भाई और अब चले हैं। हाँ, कहाँ पे ड्रम हेलर जा रहे हैं भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने हैं, देखने जा रहे हैं। तो हम तोड़ेंगे नहीं, हम देखने जा रहे हम देख रहे हैं, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी देखते हैं, डायनासोर तो दिखाई देंगे एटलीस्ट। गलती से किसी एक फोटो में आ भी जाए उधर, क्या बना रहा है आपकी। ये तो आज पग भी ब्लू डाल के आए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बड़े दूर से दिखना चाहिए भाई, दूर से दिखना चाहिए। चलो जी चलते हैं फिर, बाकी मैं भी। Alright, तो हमने पहला स्टॉप अपना ले लिया है और स्टॉप का नाम है हॉर्सशू कैनियन। तो ये हम ड्रम हेलर से कुछ 15-20 मिनट दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सारा सिस्टम कैसा है। और पूरा का पूरा जो मतलब लैंडस्केप है वो चेंज हो गया हुआ है, तो लेट्स सी, दिखाता हूँ आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। मज़ा आ रहा है। चलो भाई, तो यहाँ से अभी हम रेस्टरूम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आपको हॉर्सशू कैनियन की पूरी साइड दिखाता हूँ, तो आप भी देख के हैरान हो जाओगे। और यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा है कि ड्रम हेलर में ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स वगैरह होते थे, और यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखोगे साइंस वगैरह पे ना डायनासोर्स बनाए गए हैं। काफ़ी तेज़ हवा है, बट ऐसा था कि यहाँ पे डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा थे बोलते हैं ऐसा, तो दैट्स व्हाई
यहाँ पे इसके लिए ज्यादा फेमस है। हिस्ट्री हिस्ट्री बताओ क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री का तो मेरे को नहीं पता, बट ये है कि ये बैडलैंड्स एरिया यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बैडलैंड्स ही होती हैं। बैडलैंड्स होते हैं कि बंजर जमीन, तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएंगे अभी जाके। चलो दिखाओ। काइंड ऑफ रेत के टीले, नहीं बोलते जैसे रेत के टीले, और यहाँ पे ना ये डायनासोर प्रोविंशियल पार्क शुरू हो जाता है। राइट, और यहाँ पे डायनासोर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डायनासोर होते थे, तो ये अब पता नहीं कितना कैसा है, बट ये देखो जैसे आप यहाँ पे देखो यार, दिस इज बाकी चैनल चेक कर लेना सबका, तीनों बंदे हैं हम सारे इकट्ठे, यहाँ पे हमारे ऋषभ भाई है, यहाँ पे हमारे गुरसिमरन भाई है, और ये पूरा देखो जैसे की कैसे, मतलब ऐसे लग रहा है की ये असली है ही नहीं, पता नहीं कैसे लाइक फीलिंग्स ही लगा रही है ना। और ये पक्के पहाड़ है या कच्चे पहाड़ है? यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ओके दैट्स नाइस। आगे पूरा टेरेन ऐसा ही, एक डायनासोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा डायनासोर के, हम अगर इनको हायर करोगे तो वो भी मिल जाएगा। अगर तो म्यूजियम जाएंगे तो म्यूजियम के अंदर मिल जाएगा। चलो ठीक है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी घुमाते हैं दिखाते हैं, देन हम चलते हैं आगे ड्रामा की तरफ। चलते हैं दोबारा से अपने स्टॉप की तरफ एंड स्टार्ट द जर्नी। डायनासोर रेडी हो चुकी है यहाँ पे, आसपास काफी गाड़ियां रुकी हैं, और ये जैसे कि आप देख सकते हो पूरी की पूरी लैंड का वो चेंज हो गए हुए, क्या चीज है, तो अगर कोई रेटल स्नेक मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे। ना ही मिले भाई, मिल जाए कोई भी आपके लिए कहानी है, टूट जाएगी इस तरह की। शुक्र है उसमें रेटल स्नेक में इतना पता है, ये जैसे कि आप देख सकते हो वेलकम टू ड्रम हेलर, ये जगह जैसे कि आप देख रहे हो डायनासोर बने हुए हैं, और हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा है बिल्कुल। हाँ देखो एक ही दफा आपने कैमरा रख लिया, ये देखो भाई डायनासोर रेडी हैं, ये आर यू गाइस रेडी फॉर द वर्ल्ड रेकॉर्ड? So excited. Okay, nice. Awesome. So the dinosaurs are excited now, right? Okay, let's go. Dinosaurs ने एक दूसरे के साथ वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे हम, तो नीचे स्नीकर्स वगैरह डाले हुए उन्होंने ताकि गिरे ना, बट पूरे डायनासोर है वो देखो, ऊपर से डायनासोर है वहाँ पे, अगर लोग चढ़ के भी जा रहे हैं ऊपर से भी, वो देखो भाई लोग नहीं, अभी हम चलते हैं, यहाँ पे काफी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हमने साइन वगैरह के साथ खिंचवा लिया फोटो। अब नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा होगा वो मेन ड्रम हेलर सिटी होगी, जो कि हम एंटर कर गए हैं, और जहाँ पे देखते हैं कितना रश होगा, लग तो रहा कि काफी रश होगा, बट लेट्स सी, चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम मेन ड्रम हेलर जहाँ पे इवेंट हो रहा है, और हमारे में से एक बंदा रेडी भी हो रहा है। बहुत ज्यादा डायनासोर दिख रहे हैं हमें आगे पीछे, और हम ही बंदे दिख रहे हैं, और दो तीन और बस, तो काफी ज्यादा डायनासोर हैं जैसे आप पीछे देख सकते हैं। Stewart statements. I'm going to go.
the ticket stubs from the wristbands. ऋषभ भाई कैसा रहा फिर? भाई बहुत बढ़िया रहा, बस भाई को ड्रेस थोड़ी छोटी है इसलिए भाई ने पहनी नहीं। काम बहुत बढ़िया था। चलो जी अब हम चलते हैं गाड़ी की पार्किंग की तरफ एंड देन डायनासोर भाई कह रहे दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा वाला दुनिया का सबसे बड़ा है कह रहे हैं भाई, ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सारी जगह डायनासोर ही डायनासोर दिखेंगे आपको, और स्ट्रीट्स के नाम भी जो है वो डायनासोर के उस पे ही हैं। हाँ जी, तो अब हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया है म्यूजियम में, रॉयल टेरेस। गुरसिमरन भाई और ऋषभ भाई यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आपके पास पी आर है तो आप कनू ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें आपको एक साल की फ्री सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको काफी जगह फ्री मिल जाएगी, तो उसका फायदा उठाने हम चले हैं। तो लेट्स सी, चलो जी चले। तो बेसिकली अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर एंड यू कैन सी दिस। I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up, I wasn't ready. देखो भाई मुंडी देखो कितनी बड़ी है, वाओ, मतलब मेरे शरीर से भी बड़ी इसकी खाली अवशेष हिंदी जानकार, ये रहे वेल के अवशेष। ये देखो ऐसा सिस्टम है, ऐसे मिलते हैं ये पहाड़ों के अंदर पूरे, मतलब छुपे हुए, और उसको निकाल के ऐसे रख के इन्होंने रख दिया हुआ ये सारे। जैसे आप देख सकते हो ये भी डायनासोर है, वो वाला ठीक है नहीं, ये वो वाला है, और ये वाला है ये वाला स्केल्स वाला, इसका नाम भी लिखा हुआ है स्टेगोसॉरस, और ये है अब इनके नाम भी नहीं समझ आ रहे, साइका डियोइड या जो भी है, 155 मिलियन ईयर्स पहले। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया है। हाँ ये देखो भाई गॉर्गोसॉरस, सारे के सारे जितने भी हैं। ये दूसरा व्लॉग साथ में चल रहा है, अक्षित सारस इधर है भाई, अक्षित सारस विनीपेग में इससे अच्छा था नहीं, विनीपेग में ऐसा है कि डिफरेंट था, इतने ज्यादा नहीं थे, एक दो थे बस। अच्छा हाँ, एक तो थे, पर यहाँ पे देखो यहाँ ज्यादा शुरुआत है, और टीरेक्स है वो सबसे बड़ा वाला वो देखो पीछे दिख रहा है, जी दिख रहा है, दिख रहा है, जीत गए कैलगरी गवर्नमेंट से, कैलगरी गवर्नमेंट ने बड़ा सही बंदा हायर किया कैलगरी को प्रमोट करने के लिए, प्रमोटर है। चलो जी देखो देखो प्रमोट हम कर रहे हैं, फायदा इनको उठाना है। कैसे भाई कैसे? सही बात है सही बात है, यू नो यू नो। राइट 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 राइट। भाई इसीलिए इसको ड्रम हेलर बोला जाता है, क्योंकि देखो कितने ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पे, और मतलब सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी की गई हैं, सारी जगह पे आपको
डायनासोर तो डायनासोर ही दिखते हैं, मतलब एक्चुअली में ऐसी चीज देखना जो आपने सुनी थी कहानियों में, कार्टून देखे थे, मतलब सीरियल्स वगैरह देखे थे, इट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग. इसका खाली हिप है, ये इसका बिल्कुल हिप है, इतना बड़ा जो वो वहाँ पे है, ये यहाँ पे. गुरसिमरन भाई खींचो फोटो आपकी, मेरे पास तो बहुत है. ये देखो भाई, ये रहा मैमथ, बहुत ही ज्यादा मैसिव है. पूरा म्यूजियम कंप्लीट कवर करके आ गए हम. अब वो रहे सामने, देखो एक लुकआउट पॉइंट है जो पूरा दूर दिख रहा है. यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, पर ये एक जगह पे आए हैं जिसका नाम है हॉर्स थीफ कैनियन. और ये देखो भैया आप, लाइक लिटरली पूरा का पूरा वही चेंज हो गया, लाइक हाँ ये पूरा लाइक देख सकते हो आप, पता नहीं जैसे मतलब एक वोल्केनो इरप्शन हुई हो ना, और उसके बाद ये पूरी लाइक आपको पता नहीं दिख रहा है, बट वो नीचे बहुत नीचे है, वीडियो में दिख नहीं रहा इतना. ऋषभ भाई लेके आए हैं, वो बहुत नीचे है, लाइक 100 भी कम बोल रहा हूँ, बहुत फीट नीचे होगा. हाँ 1000-1200 फीट नीचे होगा वो, और वो जैसे लग रहा है कि साथ ही इसका ही पार्ट है, बट इसका पार्ट नहीं है. बादल बहुत सही लग रहे हैं वीडियो में तो भाई, बहुत ही स्पेशल लग रहे हैं बादल, जैसे एक एक पिक करके रखा होता दोनों कैनियंस भी आपको दिखाए, बड़ा ही मजेदार दिन था. अब हो चुकी है रात और आके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था. अब मैं मतलब मैंने कहा व्लॉग एंड कर दूं, व्लॉग एंड करना भूल गया था. अगर अच्छा लगा व्लॉग लाइक कर दो, ऐसे ही और कैलगरी और अल्बर्टा के व्लॉग्स के लिए फॉलो कर लो ट्रू इंडियन अक्षित को. और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने घर का पूरा एनालिसिस बताया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो. और अगर आपने मेरा अभी तक का कैलगरी में हाउस टूर नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डाल दूंगा इस एंडिंग के बाद, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू.